नमस्कार, मैं हूं संध्या, आपके साथ आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिस हत्थे चढ़ा विद्युत मोटर पंप चोर गिरोह, चार थाना क्षेत्रों में खेतों से चुराई थी मोटर पंप। चार चोर और दो कबाड़ियों से 78 मोटर पंपों के कॉपर तार सहित एक विद्युत मोटर पंप बरामद। जी हाँ, आपको बताते चले, खरगोन रवि सीजन में खेतों से विद्युत मोटर पंप सहित केबल चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मंगलेश्वर पुलिस ने चार साथी चोरों के साथ चोरी की मोटर पंप खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। गुरुवार को मामले का खुलासा करते हुए SP धर्मवीर सिंह ने बताया, बलकवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर अशोक पिता पदम बासकले, मुकराम पिता बाबू डावर, विशन पिता कैलाश डावर, अशोक डावर को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में चारों ने अपराध कबूल करते हुए चोरी की मोटर कबाड़ी सचिन पिता पंडारी सेलवाने तथा श्यामलाल पिता मंगीलाल पटेल को बेचा था। आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया कि ग्राम चिचली में नर्मदा नदी किनारे से वाटर पंपों को खोलकर उनमें लगे तांबे के तार काटकर चोरी करना व इसी तरह मलतार से बोराड नदी से वाटर पंप एवं थाना कसरावत क्षेत्र के आमलाथा टिगरियाव मोंग नींदपुरा खेड़ी बुजुर्ग समेड़ा वेदा नदी एवं आसपास कुओं व नहर से एवं थाना बैडिया क्षेत्र के जिरभार मर्दाना रोड साहबड़िया रोड किसानों के खेत में कुओं से भट्टाड़ जाने वाले पुराने रास्ते ग्राम लोदी में से थाना मंगलेश्वर क्षेत्र गधनी डबी नहर और नहर के किनारे वाटर पंपों को खोलकर तांबे के तार काटकर चोरी करना बताया। आरोपितों से 19 किलोग्राम तांबे का तार कुल कीमती 15,200 रुपए बरामद किए गए। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के। बहुत ही सफल ऑपरेशन एसडीपी मंडलेश्वर पुलिस देखिए, विगत दिनों बेड़िया थाना क्षेत्र में और कसरावत थाना क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें किसानों की मोटर पंप जो नर्मदा नदी किनारे रखी गई थी या जो मोटर पंप जो कुएं के अंदर सबमर्सिबल मोटर पंप थी, उन मोटर पंपों को निकाल के उनका कॉपर वायर चोरी किया गया था। ये घटनाएं बाद में फिर बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई तो किसानों के लिए बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि किसान अपनी सिंचाई के लिए मोटर पंपों का यूज़ करते हैं, मोटर पंपों को वो नदी किनारे खेतों में रख के छोड़ जाते हैं। तो मोटर पंपों से तार चोरी जाने के बाद मोटर पंप किसी उपयोग की नहीं रहती हैं। इस प्रकार की करीब 11 घटनाएं दर्ज हुई, तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण अपराध था, क्योंकि ये खेतों के अंदर जंगली रास्तों से आके ये घटनाएं घटित हो रही थी। किसानों के द्वारा भी लगातार इस चीज़ को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी, तो एक इसमें विशेष टीम बनाई गई जिसमें SDOP मंडलेश्वर सिंह गबली, थाना प्रभारी बलकवाड़ा सिंह ठाकुर और चौकी प्रभारी खलटका रितेश, इस पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने पुराने अपराधियों से पूछताछ की, कोई जानकारी मिली कि ये एक बड़ा गैंग है। इस गैंग में लगभग 8 आरोपी हैं जो रात के समय नदी किनारे लगी हुई मोटरों में खोल के उसका तार चुराए कबाड़ियों को बेचते हैं। इस सूचना के आधार पर इन्होंने कुल 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 6 आरोपियों में से 4 वो आरोपी हैं जो घटना को घटित करते हैं और 2 आरोपी वो पकड़े गए हैं जो कॉपर वायर को खरीदते हैं कबाड़ी। तो कबाड़ियों के पजेशन से इसमें काफ़ी मात्रा में कॉपर वायर बरामद हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में अभी 4 आरोपियों के नाम आए जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी होने पर और भी रिकवरी होगी। तो टोटल 11 अपराधों में 78 जो मोटर पंप थी उनका खुलासा हुआ है, वायर बरामद हुआ है। तो बड़ा ऑपरेशन है, इसमें मुझे लगता है कि हमारे जो कसरावत बलकवाड़ा मंडलेश्वर और बेड़िया क्षेत्र के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और किसानों की मोटर पंप चोरी करने की घटनाओं में नियंत्रण आएगा।